सबको हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग। देखिए, आज मैं आप लोग से एक एडवाइस लेना चाहते हैं कि क्या हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें क्लास 12 का, अभी तो हमारा फिलहाल पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, तो 1 से लेकर 13 यानी 1 से लेकर 13 तक हमारा जो चैप्टर है, तो क्या एक ऐसा हम वीडियो बना दें जिसमें सभी फार्मूला हो, 1 से लेकर के 13 तक जितना भी हमारा एक्सरसाइज है उसको सभी चैप्टर का फार्मूला जो भी होगा, जितना भी बनेगा फार्मूला जो हमारे एग्जाम बोर्ड में पूछता है उसका वीडियो बना दे क्या? आप लोग थोड़ा सा इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कम से कम 30 दे दें, 40 दे दें, 50 दे दें, चलो 30 दे देते हैं। 30 कमेंट होना चाहिए कि हाँ सर इसका वीडियो बना दीजिए, और एक और टारगेट है कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, तो हम समझ लेंगे कि हाँ हमारे सभी भाई बहनों की ये जरूरत है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ सभी चैप्टर का फॉर्मूला हो। तो क्या आप लोग तैयार हैं? इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है? उसमें पूरा 100% जितना भी फॉर्मूला बनता है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक, वो सारे फार्मूला का हम वीडियो एक ही वीडियो में बनाएंगे, जितना भी फार्मूला हो जाए, कितना भी देर का वो वीडियो हो जाए, मैक्सिमम 2 घंटा से कम होगा और मिनिमम 1 घंटा से ज़्यादा ही होगा वो वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को वहाँ पर इस तरीका से सब फार्मूला लिखवाएंगे ताकि आपको याद करने का टेक्निक भी बता दें, ताकि वहीं पर याद भी हो जाए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम रहता नहीं है, और आपके पास बिहार बोर्ड वाले के पास तो बहुत कम टाइम है, एमपी वाले को भी बहुत कम टाइम है, लेकिन अभी यूपी बोर्ड वाले के भाई साहब को टाइम है, तो आप लोग अभी आराम से पढ़ना, लेकिन बिहार बोर्ड वाले भाई साहब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके बिहार बोर्ड के लिए बोल रहे हैं 35 दिन और टाइम रह गया, 35 दिन, 1 फरवरी से होने वाला है, तो इनसे मान लो 3 दिन, हाँ 34-35 दिन टाइम बचा है, और फर्स्ट दिन मैथ ही है आप लोगों का, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो बस इतना ही। एमपी बोर्ड वाले भाई आपको भी बोल रहे हैं, आपका भी लगभग 15-17 तारीख से एग्जाम होने वाला है, यूपी वाले तो आराम से निश्चिंत होकर पढ़ो भाई, अभी आपके पास टाइम है, आपको ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि आप लोग का अप्रैल में 17-18 से होने वाला है, ठीक है? मैं पता किया तो लगभग यही कंडीशन है, ठीक है? अभी वहाँ पर इलेक्शन है, तो हो सकता है मई में भी चल जाए आप लोग का एग्जाम, लेकिन अभी आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, लेकिन बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड ध्यान दीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है? मेहनत करिए, टाइम नहीं है, जितना हो सके नया चीज़ सीखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ एक दो प्रश्नावली बाकी है तो उसको पढ़ लीजिए, लेकिन अब आपका एग्जाम आ गया इस सर पर, तो सर पर एग्जाम आने का मतलब जानते हो क्या होता है? आप लोग कम से कम ज्यादा से ज्यादा कम से कम न्यू चीज सीखिए, और ज्यादा से ज्यादा जो आप पढ़े हो उसको रिवीजन करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इस बात को मेरा याद रखिएगा, रिवीजन पर जितना हो सके जोर शोर लगा दीजिए, खाना खाए या ना खाए, नहीं भाई खाना खा लीजिए नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, ठीक है? खाना खा लीजिएगा, खाना टाइम से खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा आराम से, लेकिन एकदम जैसे हम ठंडा में बैठे हैं ना, अभी ठंडा उतना मेरे रूम में ठंडा नहीं लगता है ऐसे, ठीक है ना? बारिश हवा नहीं आता, हवा नहीं आता तो ठंडा कम लगता है, तो आराम से जो भी आपके पास रजाई कम्बर होगा उसमें आराम से ऐसे मेरे जैसा ही ओढ़ करके ऐसे बैठ करके पढ़ाई करिए आप लोग ठंड में, ठीक है? कहीं कहीं ठंडा नहीं भी लगता है, ठीक है? तो चलिए, जहाँ जहाँ ठंडा लगता होगा तो आप लोग के लिए बता रहे हैं, सजेस्ट किए हैं, बेस्ट ऑफ लक, आराम से पढ़ाई करिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है, पढ़िए रिजल्ट अच्छा आएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।